शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैं वहाँ हॉस्पिटल में दिन रात ड्यूटी कर रही हूँ, दिन रात पेशेंट्स को देख रही हूँ, और ये यहाँ लड़की के साथ सो रहा है। तुषार मुझे धोखा दे रहा है। क्या कमी छोड़ी मैंने अपने प्यार में जो आज किसी और लड़की के, कैसे कर सकता है ऐसा? मेरी बीवी का कॉल, ये क्यों कॉल कर रही है अब? हेलो हेलो तुषार। हाँ साक्षी, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ ना, और कहाँ जाऊँगा? क्या हुआ? घर पर कोई आया है क्या? अब नहीं नहीं, घर पे तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं ना घर के गेट पे खड़ी हूँ। क्या, तुमने तो बोला था कि 2 हफ्ते बाद आऊंगी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ तुषार, आने तो वाली थी 2 हफ्ते बाद, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दिया जाए, तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं हॉल में बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। अरे यार मर गए। काव्या, काव्या, अरे जल्दी उठो। क्या हो गया तुषार, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? काव्या सुनो, तुम निकलो, अरे मेरी बीवी आ गई है। क्या, तुम्हारी बीवी आ गई है? पर तुमने तो कहा था कि वो 2 हफ्ते बाद आएगी। अरे यार मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगी वो। अगर पता होता कि वो आ जाने वाली है तो मैं यहाँ तुम्हें क्यों बुलाता? अब क्या करेंगे तुषार? क्या करें? अच्छा हाँ सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। अरे तुषार, पर मैं गेट से निकलूंगी तो तुम्हारी बीवी तो वहीं खड़ी है ना, वो मुझे देख लेगी। हाँ यार ये तो तुम सही कह रही हो, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। जाओ जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाओ। अरे साक्षी तुम, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आ गई, कितना अच्छा किया ना जल्दी आके तुमने। तुषार लग तो नहीं रहा, वैसे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, अंदर कोई है क्या? क्या, नहीं नहीं अंदर कोई नहीं है, और मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। अरे नहीं तुषार, शायद अंदर कोई है, मैं खुद देख लेती हूँ। अरे नहीं साक्षी, मैं कह रहा हूँ ना। तुषार कहाँ है वो? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, तुम क्यों शक कर रही हो मुझ पे? देखो तुषार, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इस बेड पे ना सोते हुए देखा है। क्या? अरे ये तुम कैसे बकवास कर रही हो, तुम अभी अभी तो आई हो। तुषार मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने उसे बाहर आने के लिए नहीं बोला ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या पुलिस? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार साक्षी, कोई नहीं है यहाँ पे, मेरी बात का विश्वास करो, तुम्हें अपने पति पे विश्वास नहीं है। देखो जो भी है ना इस कमरे में, बाहर निकल के आ जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। तुषार कौन है ये, और तुम तो बोल रहे थे कमरे में कोई भी नहीं है, कौन है ये, भूत है, कहाँ से आई इस कमरे में? अब साक्षी वो क्या वो ये लगा रखा है, जितना पूछा है ना तुषार उसका जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साक्षी ये वो, अरे हाँ ये मेरी ऑफिस में ही तो काम करती है, मेरी सेक्रेटरी है, तुम तो जानती होगी ना इसे, ये वही है, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया था, वो मीटिंग के सिलसिले में ना इसलिए बुलाया था, कल जा रहे हैं ना हम डील फाइनल करने, तो बस इसलिए आई थी यहाँ पे। तुषार जहाँ तक मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को जानती हूँ ना, उसका नाम ज्योति है, कौन है ये, और सेक्रेटरी को ऐसे बेड पे अपने साथ कौन सुलाता है? सुलाते नहीं है, मतलब साक्षी तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुषार मैंने तुम दोनों को बेड पे सोते हुए देख लिया था। अरे ये क्या बोले जा रही हो साक्षी, तुम सो रहा था, मैं कुछ समझा नहीं, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वही है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे को, मैं सच बोल रहा हूँ। कितना झूठ बोलोगे मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां पर दिन रात पेशेंट्स को देख रही हूँ, और तुम यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो लड़कियों के साथ। देखो साक्षी मैं समझाता हूँ तुम्हें। बहुत हो गया तुषार, बहुत झूठ बोल लिया तुमने, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई एक लड़की को घर में लाते हुए, मुझे धोखा देते हुए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता लग गया तो मुझ पर क्या बीतेगी? घर वालों से लड़कर मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम मुझे ये दिन दिखाओ। अरे तुषार मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, तुषार डॉक्टर हूँ मैं, दिन रात मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ, हॉस्पिटल में मैं दिन रात एक कर रही हूँ, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, अय्याशियाँ? तुषार तुम्हें पता है मुझे तुम पे बहुत भरोसा था, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती थी ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मैंने हमेशा तुम्हारी फाइनेंशियली मदद की, दिन रात एक किया हर जगह ये दिन देखने के लिए। देखो साक्षी प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो,
मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बहक गया था, और तुम भी तो सारा सारा दिन बाहर रहती हो, पेशेंट्स को हैंडल करने में बिजी रहती हो, इसलिए मैं बहक गया था। लेकिन आई एम रियली सॉरी यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा इसे। तुषार तुम तो चुप ही रहो, और तुम, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चलाते हुए? ये तुम्हारी जैसी लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से ना बसे बसाए घर खराब हो जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कल को तुम्हारी भी शादी होगी और कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओ हेलो मैडम, मुझे समझाने से अच्छा है ना कि तुमने पति को समझा, ठीक है ना? और मुझे तो लेक्चर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख लो तुषार, तुम्हारे सामने मुझे ये लड़की सुना रही है, यही दिन दिखाना बाकी था ना बस। और एक काम करो, तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना तो इसके साथ शादी कर लो, इसके साथ अपना घर बसा लो। मेरा क्या है, मैं तो डॉक्टर हूँ, अपना गुजारा जैसे तैसे कर लूंगी और अपने मम्मी पापा को भी समझा लूंगी मैं। ओ मैडम, मुझे ना इसके साथ अपना कोई घर नहीं बसाना है, और मैं तो इसके साथ इसलिए थी क्योंकि पैसों वाला था, मेरी सारी डिमांड्स पूरी करता था, इसलिए मैंने इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। देखो मैडम, तुमको अपने पति के बारे में पता चल गया है ना तो मुझे मत घसीटो, और वैसे भी ना मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है, तुम दोनों अपना आपस में देख लो। और हाँ, मैं ना जा रही हूँ। देख लिया तुषार, ऐसी होती है लड़कियां, प्यार करते थे ना तुम इससे, चली गई तुम्हें छोड़ के। खैर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और अब मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, डाइवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे तुम तक, जा रही हूँ मैं। साक्षी, साक्षी मेरी बात तो सुनो, सुनो ना साक्षी प्लीज यार,